और ये लो भाई, फटिया जूता फटिया मेरे यहाँ से पूरा। अबे ये भाई हमारा साइड की दूरी था और अभी ये जा रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। सो गाइस गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जाने वाला हूँ हनुमानगढ़ की ओर, क्योंकि वहाँ पे है हमारे गगर नदी और काफ़ी कुछ और भी कल पंगे हुए पड़े हैं, लफड़े हुए पड़े हैं जी। उधर अपने पंजाब की तरफ फ्लड आया पड़ा है, अब इधर भी आ चुका है राजस्थान में। राजस्थान में कभी भाई पानी नहीं मिलता था, अब भाई बाढ़ आई पड़ी, देख लो तुम। देखो और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ मेरे मामा जी के साथ कार में, और आज तो टाइम मैं आऊँगा बस पे। यस, ये बस का नहीं होता, हेलीकॉप्टर का नहीं होता। तो बस बैठते कार में और निकलते हैं मंजिल की ओर। बैठ लो क्या? तो ये है मेरे मामा जी जो हम एक बैल छोड़ के आने वाले हैं। आपका इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम क्या है? विजय वर्मा। मेरे को नाम याद था, यस मैं फिर भी बताएंगे। चलो भाई बस अब निकलते हैं, और आज के इस ब्लॉग में भाई आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए भाई ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हमारी हो रही ट्रेन के साथ रेस, देखते हैं निकलने लग गए हम तो आगे। ट्रेन से भाई स्पीड बढ़ा रखी है, बहुत ही जरूर पहुंचेंगे ट्रेन से, पहले देखते हैं। फिलहाल चलते चल रहे हैं। भाई जल्दी साइड में कर, साइड नहीं हो रहा क्या है रे बंदा? निकल गए। अबे ट्रेन गई, ट्रक ने पूरा खराब कर दिया गेम यार। निकाल लेते आगे, फिर भी इतना बड़ा मसला है कि पहले निकल सकता हूँ। निकल दीजिए, ट्रेन निकल ली, बस वो साइड हो जाए ना तो ऐसा है कि हाँ निकल ले आगे ट्रेन से। थोड़ी ट्रेन चल रही क्या सोची? यही ट्रेन, ट्रेन की स्पीड काफी स्लो है। ये गाऊ माता आ रही है, मुझे लगता नहीं कि अपने पहुंच जाएंगे पहले, जिस हिसाब से आई जा रही है। ट्रेन को तो पीछे छोड़ना ही है कुछ, ट्रेन तो भी छुट गई, बस छुट गई। अब तो छुट गई नहीं, बहुत लंबी है। लंबी कितनी होगी? ये मालगाड़ी है, पैसेंजर नहीं है। पता मेरे को पैसेंजर नहीं है, पर कितनी लंबी हो सकती है? और भाई साहब कौन सी कहां चला रहे हैं इतनी यार? ये आ गए लो भाई, ट्रेन को छोड़ दिया पीछे। बस दो ट्रेन है साथ में, जॉइंट है, दो ट्रेन जॉइंट कर रखी है। एक ट्रेन को पीछे छोड़ दिया, अगली ट्रेन आ गया। लो भाई ने वो इसके साथ में जॉइंट है। हां जॉइंट है, इंजन जॉइंट कर रखा है, इंजन पूरा लगा रखा है इसके बीच में, तभी स्लो जल्दी है। तो या तो इंजन काफी पावरफुल लगता है ना, सुनो क्लाउड की वजह से ये स्लो हो जाती है ना, यहां पे फ्लेट वगैरह आ गया ना, फेर आ गया, फेर के अंदर स्लो हो जाती है। ये नॉलेज मेरे को नहीं थी भाई, इतने इस पूरी ट्रेन को पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हो। छोड़ सकते क्यों नहीं छोड़ेंगे, जाना इस तरफ था। देखो अब मैं इधर की साइड जाना था इस रास्ते पे, पर ट्रेन अभी ट्रेन की रेस लगा दी इसलिए इस रास्ते पे जा रहे हैं। ये देखो हमारे काम रेस लगा दी, अब रेस आई पोल ले रहा है, बाकी क्या प्रॉपर चैलेंज ये हुआ, चैलेंज कंप्लीट हो गया लगभग। इस ये जब पुल जैसे जाएगा ना वैसे ही ट्रेन पीछे होगी हमारे, देखना 1 2 वो पीछे रह गई, यस वो रही पीछे बेलर। लो भाई अभी ट्रेन से तो रेस लगाते पता ही लगा कि कितनी देर में ही हम पहुंच गए हनुमानगढ़ के अंदर। बस एंटर हो रहे, फिलहाल एंट्री है हमारी, और थोड़ी देर में आपको जिस चीज का इंतजार था बेसब्री से वहां पे पहुंचने वाले हैं, बस पहाड़ की जगह भाई। राजस्थान में ज्यादा पानी, राजस्थान में पानी कम मिलता था ना, अब बाढ़ आई पड़ी है। देखो अभी जाके रियल, अब जाके वहाँ पे पता चलेगा कि कितनी की अफवाह है और कितनी रियलिटी है। हाँ ये देखो, सब हम जाके आपको दिखाएंगे, वरना देखेंगे कहीं कहीं न्यूज रिपोर्टर होते हैं स्विमिंग पूल के, हम जाके बोलेंगे ये भाई दिल्ली के अंदर बाढ़।
भाई बहुत स्कैम चल रहा है उनने। अभी देखो मैं टैन में दिखाता हूँ, बाकी क्योंकि मैं कहीं और जा नहीं सकता। वो रियल दिखाते हैं, कुछ है जो मेरे जैसे वो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, मतलब बड़ा चला के बोलना म्यूजिक पोर्टर की तरह। मामू ऐसा आता है, ये मेरे को कितनी जगह लेके जाने वाले हो? देखेंगे कम से कम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले तो जितना आराम से मिनिमम दो जगह लेके जाएंगे आराम से। तो पूछता हूँ मैं मामू जी साथ में, तो दो जगह, एक तो हनुमानगढ़ का बस स्टैंड दिखा के लाऊंगा, एक रेलवे स्टेशन दिखा के लेके आऊंगा। क्या स्कैम कर रहे हैं क्या मेरे साथ? चलो भाई अभी हम गगर नदी के पास आ चुके हैं काफी। देखो ये है भाई गगर नदी का ब्रिज स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। चलो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें पहुंचना था। और भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है अब तो। और मेरे सामने है गगर नदी, है गगर नदी। और फिलहाल देखो जिस साइड हम आए हैं ना, इस साइड तो भाई मेरे को लग रहा नहीं है कि इतना पानी है फिलहाल, क्योंकि भाई ये एकदम नॉर्मल सा है, नॉर्मल सतह पे पूरी। दिखाते हैं, देखो दिखा दो, दिखा दो क्या? चलो नहीं दिखानी, आए क्यों भाई, इतनी दूर आए क्यों है, हम नहीं दिखानी। तो आज दिखाता हूँ भाई, ये है हमारी गगर नदी। भाषा बहुत दूर दूर तक है, इतनी बड़ी भाई। तो एकदम पहले पानी बहुत कम था ना, पहले कम पानी बहुत कम था ना, पहले कम था, मैं पहले से यहाँ पे से आया था तो भाई लेवल काफी कम था इसका, अब तो काफी ज्यादा है। वैसे भाई मैं जब जितना बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है गगर नदी का सब जगह कुछ ऐसे लेवल होगा, ये जितने से लोग हैं गगर नदी काफी ज्यादा बोल रखा है कि हाँ भाई गगर नदी पानी भरा पड़ा है, ऐसे 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 ऐसे। भाई तो अफवाह बोलता हूँ, अफवाह थी भाई, ये तो इतना बोल सकता हूँ। बाकी तो भाई खुद देख सकते हो गगर नदी मानगढ़ में यही है, बाकी क्योंकि भाई और नदी हम पैदा करने से रहे कहाँ से ला सकते हैं, बस यही भाई। देखो हाँ देखो क्योंकि ना यहाँ पे ना बांध वगैरह लगाए हुए हैं, वहाँ पे तो भाई आराम से ऐसा कुछ लेवल है, इतने पानी का लेवल है, पर कहीं कहीं जगह है जहाँ पे पानी का लेवल बढ़ सकता है धीरे 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 धीरे। देखो भाई उधर से पानी आ रहा है और सब जगह कचरा कचरा बड़ा पड़ा है। देखो भाई पूरा पूरा अच्छा वाइट पानी, एकदम साफ पानी, उसको एक कचरे में डाल डाल के डाल डाल कुछ ऐसा करते सारे इंसान। देखो अगर कोई नदी एकदम साफ हुई ना, उसके अंदर कचरा जरूर डाल के जाना है बस भाई। बाकी तो इंडिया है तो काफी अच्छी जगह घूमने के लिए। भाई साहब मैं यहाँ पे चल रहा था और इसके अंदर में जूता गया, और ये लो भाई फट गया, जूता फट गया मेरे यहाँ से पूरा। अबे यार जूता गया मेरा, ये ना वन ऑफ द फेवरेट जूता था, इधर आराम से इजी टू वियर एंड इतना अच्छा था भाई यार, ये भी गया। चलो भाई फिलहाल तो हमने गगर नदी बना लिया, और इसे आगे भी काफी कुछ है, एक जगह है जहाँ मामू ने बोला कि वहाँ चलते हैं, काफी सही है वो जगह, चलते हैं फिर भाई। ये आगे वेट कर रहे हैं, आगे आगे दो मिनट बस। चलो भाई अभी मामू ने मेरे को नेक्स्ट लोकेशन में छोड़ दिया है, और फिलहाल ये भाई हमारा साइड की दूरी था, और अभी जा रहे हैं बाय बाय दोस्तों अपनी बहन को लेने बाजार, और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा आगे अपने आप खुद टेम्पो वगैरह ले ला के, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। चलो भाई ये है लोकेशन यहाँ पे, देखो यहाँ पे पानी वगैरह चाहते हैं, पानी रोकने के लिए यहाँ पूरा पूरे देखो कट्टे वगैरह लगा रखे हैं, और भाई यहाँ पे काम चल रहा है पूरा पूरा, शायद घर नदी का कुछ यहाँ पे सीन सा है। बाकी भाई उधर जाने कोई फिलहाल है नहीं सिस्टम, अपने उधर जाने भी नहीं वाले, मैं निकलता हूँ फिलहाल यहाँ से वापस, क्योंकि देखो मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वरना तो बता देता। चलो भाई ये देखो ये है मेरे भाई पीछे भट्टा, और लग यहाँ जितने भट्टे के काम करने वाले लोग हैं ना, वो सारे सारे उधर हेल्प करने लगे पड़े हैं कट्टे वगैरह चकने में। और भाई मतलब पूरे जोरों शोरों से काम चला पड़ा है,
पूरा का पूरा। ऐसे मेरा मन तो था कि मैं पूरा दिखा के रहूँ आपको वहाँ पे क्या कुछ है, पर भाई देखो फिलहाल तो काफ़ी है अभी। तो भाई यहाँ पर मेन टास्क ये है मेरा कि मेरे रोड क्रॉस करनी है इधर से उधर, क्योंकि उधर से मेरे को टेम्पो वगैरह मिल जाएगा, रिक्शा वगैरह मिल जाए, फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा। लो भाई अभी रिक्शा जा रही है एक सामने सामने। अबे यार चलता हूँ जल्दी, उधर जाने के लिए आया हूँ और उधर जाना पड़ेगा मेरे को पहले, उतनी दूर पहले चलना पड़ेगा। भाई साहब तुम ये देखो, मैं यहाँ तक पूछ चल के आया और यहाँ साफ साफ दिख रहा है और गगन नदी का पानी छा रहा है, पानी रोकने के लिए यहाँ पे कट्टे लगाए जा रहे हैं फिलहाल। देखो काम लगे पड़े सारे सारे, अब यहाँ पे टूट गया ना तो सारा सा पानी इधर की तरफ आ जाए, लगभग शायद तक इनके घर तक लाई जाएगा ऊपर ऊपर। चलो भाई निकलते हैं उधर की साइड हम, अभी कुछ यार रिक्शा आ रहा है एक, उधर है रिक्शा मिल जाए उतना सही रहेगा मेरे लिए, ऐसा ना कि मैं उधर गया हूँ रिक्शा गायब, पंगा हो जाएगा। फिलहाल भाई ये देखो लगे पड़े काम के लिए, अपने घर बचाने के लगे पड़े सब के सब। भाई यहाँ के तो क्राउड नहीं, और यहाँ पे व्हीकल्स पूरे पूरे सड़क खाली नहीं होंगे। चलो भाई चलते हैं, चलो भाई बस तो मिल गई, बस क्या रिक्शा तो मिल गया, बस स्टैंड चलते हैं जल्दी से, अब घर की ओर निकलते हैं। लो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे। चलो भाई अभी बस मिल चुकी है, बैठ चुके हैं, देखते किधर चलती है। अरे भाई देखो मैं ना सुबह 7 बजे उठ के लगभग, अभी टाइम होता है 10:30, 10:30 में ब्लॉग बनाने आ चुका हूँ मानगढ़। ये सही है भाई, आज आज का दिन वन ऑफ द बेस्ट दिन है, क्यों करो। चलो भाई अभी मैं चुरा पहुंच चुका हूँ और भाई कम से कम अभी ना 11:30 टाइम हो चुका है, और भाई इस टाइम ज़्यादातर मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ पूरे टाइम, और भाई दो मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ इस टाइम भाई मैं शॉप पे या फिर घर पे पड़ा रहता हूँ, कोई एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसे व्लॉग बना रहता हूँ, पर भाई आज मैं संगरिया जाकर हनुमानगढ़ जाके आ भी गया सुबह सुबह, इसे जल्दी उठने के फायदे। लो भाई मेरे एंट्री होते छाँव भी होगी। चलो देखो मैं बस स्टैंड उतर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ शॉप की, और शॉप पे जा मिलता हूँ, वरना सीधा शॉप से स्कूटर लेके घर जाऊँगा पहले पहले, फिर मिलता हूँ। चलो भाई फाइनली मैं घर पर पहुँच चुका हूँ, बहुत ज़्यादा रास्ते में तो मम्मा आ गया। चलो भाई फिलहाल देखो इस व्लॉग लेते हैं।